नमस्कार, हम रेगुलर मीटिंग एंट्री कर रहे हैं सीएलएफ में। अब हम बीआरएफ पे आ गए हैं। आपको यहाँ पे अपने सभी चेक का स्टेटस सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट आप देख सकते हैं, सेलेक्ट करेंगे। चेक नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन टाइप, इशू किया गया था या रिसीव किया गया था चेक, पेंडिंग है या क्लियर हो गया है। सर्च बटन पे क्लिक करने से चेक नंबर दिखाई देते हैं, लेकिन अब आपको सभी चेक नंबर दिखाई देंगे जो आपने रिसीव किए हैं या इशू किए हैं। आप एक चेक पे क्लिक करके स्टेटस बता सकते हैं, जैसे क्लियर मैंने किया, डेट हम देंगे किस डेट में ये चेक क्लियर हुआ है, 30 अप्रैल, सबमिट हम करेंगे तो हमारा चेक स्टेटस क्लियर हो जाएगा। इस तरह से आप बीआरएस बना सकते हैं। नेक्स्ट टैब पे चलते हैं, जो है कैश। आपको यहाँ पे सर्च ऑप्शन मिलेगा। आप कौन सी मीटिंग से चेक करना चाहते हैं? फ्रॉम डेट मैंने 30/4/2024 किया, हम 31/3/2024 ही कर लेते हैं। 31 मार्च से ही सर्च कर रहे हैं कि कौन कौन सी एंट्रियां हमारी कैश में हुई है। यहाँ हमारी कैश एंट्री हमें दिखेगी। 31 मार्च में हमने कोई कैश एंट्री नहीं की है। अप्रैल से देख लेते हैं, सर्च करेंगे। अप्रैल से हमने चेक किया है तो हमें कैश एंट्री देखने को मिल रही है, जो जो आपने कैश में रिसीव किया था, देख सकते हो। अगला ऑप्शन है बैंक। बैंक में भी आप सेम देख सकते हैं कि कौन कौन सी एंट्री आपने बैंक से की है। जितनी एंट्रियां हमारी बैंक से हुई है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगला ऑप्शन है सेटलमेंट। अगली वीडियो में हम जानेंगे। धन्यवाद।